मणि महेश यात्रा के दौरान राधा अष्टमी के मौके पर करीब 1,00,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र डल झील में आस्था की डुबकी लगाई। इसके साथ ही इस वर्ष की मणि महेश यात्रा का आधिकारिक रूप से समापन भी हो गया है। हालांकि अब भी इक्का दुक्का श्रद्धालु डल झील की ओर जा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार पिछले 2 माह में पवित्र डल झील में करीब 6,00,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। हालांकि उपमंडलीय प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। सोमवार को भी हजारों की संख्या में यात्रियों ने डल झील में स्नान किया। सोमवार को भी भरमौर से गौरीकुंड के लिए हवाई उड़ानों का सिलसिला जारी रहा। यूटी एयर के चौपर में 51 और आर्यन के चौपर में 17 उड़ानें भरी। इन हवाई उड़ानों में 278 श्रद्धालुओं ने मणि महेश झील जबकि 350 ने वापसी की राह पकड़ी। गौरतलब है कि मणि महेश यात्रा का आधिकारिक तौर पर आगाज 2 सितंबर को जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हुआ था। हालांकि प्रशासन की ओर से 25 अगस्त से ही अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर कर दी गई थी। जो यात्रा का समापन हुआ है तो इसका किस प्रकार से समापन होगा, मतलब कैसे छड़ यात्रा कैसे कटेगी? कहते हैं झील से वो जो छड़ी वाले वो झील काट के जाएंगे, थोड़ा सा इसके बारे में आप मुझे विस्तार से बताएं। होते हैं ना, डल क्रॉस करते हैं तो जो माता देवियां होती हैं तो ऐसे खड़ियां होती हैं साथ में, हर एक देवी देवता इधर आता है तो लाखों करोड़ों के हिसाब से छड़ी आती है जम्मू कश्मीर की। तो ऐसे करना त्रै लोकी का मालिक है, ये सब भी को शांति करता है। तो गौरव माता भी इधर है, गणेश भी, उसका बेटा जो भी इधर ही है उसका भी डाल है। तो तीन डाल गौरव माता का डाल नीचे है तो शिवजी महाराज का ऊपर है, आई इधर बोलते नीचे शिवपुत्री, उसके ऊपर भैरव घाटी, उसके ऊपर आ जाती गौरी गौरी माता का गौरजा माता का तला, उसके ऊपर आ जाता शिवजी महाराज का डाल। तो इसमें जो भी ये जो अभी यात्रा के संपन्न हुई है ये यात्रा, इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो ये जो जो समाप्त होती है जी, इसमें क्या किस प्रकार से काटते हैं, उसमें क्या खेल करते हैं और क्या क्या? वो डल क्रॉस करते हैं पानी में जाकर, वो नील गगन है उसको क्रॉस करते हैं बलोड़े लोग, वो नंगे हो जाते हैं ना, नंगे होकर ही कपड़े फेंक देते हैं बखिया तो उनको करहणी आ जाती है। अच्छा, तो उसी उस हिसाब से क्रॉस करते हैं ना साल का एक बार। ठीक है, बुलारा होता है भगवान शिव जी महाराज का कलाश का, तो एक बारी लाखों दे साहब करोड़ों दे साहब जनानियां बच्चे सारे शिवजी बुला लेता, जिन जिन को प्रवेश हो गया था वो खुद आ जाते हैं इधर। मनोकामना तेरी कामना पूरी कर देती है इन्होंने, मैं 20 साल बाहर रही जंगल में तो भगवान ने मेरे को कोई लाज नहीं दिता लगना, तो खुद बुला लेता। तो मैं बता भी देती हूँ ऐसे आए ऐसे मेरे को बाँ दिखाओ, मैं तो आपके घर का सब कुछ बताती हूँ, बता देते हैं शिवजी महाराज शीतला 18 भोजा मल माता, ये देखो इधर ये चंडी माँ थे साथ में थे, ये मल माँ ये चंडी माँ ये शीतला माता ये पुहानी माता जो अठारह भोजा है तेरी दादी को दी है, तो पूरी हो जाती है जो मांगो, भंडार भर देता शिवजी, जो पैसे का घाटा नहीं देता कामना पूरी कर देता, जो मांगो देता, पुत्र देता धी देता है सब कुछ देता है, लख बीमारी काट देता है, लख बीमारी काट देता है आप इसके साथ बहुत कुछ हो माता वीर पूजा वीर की जय जय। जो नोन से ना टीम जी छोटे नोन से ना जी 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 जन्माष्टमी का नोन जो है वो 5 तारीख को खत्म हुआ था। ठीक है जी, फिर दूसरे दिन उसके बाद फिर 15 दिन के बाद ये मनी में इसके बड़ा नोन हुआ, हाँ ये 17 को बड़ा नोन होगा, तो चंबा से छड़ी जो चली है वो 12 तारीख से चल के 8 तारीख से चली थी, तो वो आज कल आज ही आप पहुँचे सुबह और शाम को यही जाएगी, कल जाकर कल इसका वो होगा वापसी होगी कल छड़ की, तो उसके बाद समापन हो जाएगा इस यात्रा का। 2018 जो भी अठारह भी है बाद में जो भी चलता रहता है, आदमी आते जाते जाते रहते हैं, जैसे बीच में आते जाते रहते हैं, वैसे आते जाते रहते हैं। ठीक है बाबा।